ओम शांति। मुरली तारीख 26 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरी पॉइंट, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है, जितना शो करेंगे सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना हिजाफा इनाम मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमज़ोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन, निर्माण चित के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।